बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल वैसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बीएड की डिग्री है। ऐसे में उम्मीदवारों की संख्या 3,90,000 है। आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मंगलवार को पटना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में प्राथमिक विद्यालयों के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड डिग्रीधार अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो वहीं परीक्षा परिणाम का प्रकाशन 14 सितंबर को होगा। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अपने एक फैसले में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद इस आदेश में कहा गया था कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पीटीसी या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी ही पहले से पांचवी कक्षा तक पढ़ाने के पात्र होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों कहा था कि कक्षा 9 से 12 तक के कई विषय में रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या कम है। निर्धारित रिक्ति के 75% तक रिजल्ट देने की तैयारी है। हालांकि कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी किया जाएगा। पहले कक्षा 1 से 5 तक रिजल्ट आएगा। इधर सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। बिहार में जल्द ही शिक्षकों के पदों पर बहाली के लिए नई वैकेंसी निकलने वाली है। बीपीएससी की ओर से अक्टूबर 2023 में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने की तैयारी है। आयोग के अनुसार नवंबर महीने में होने वाली परीक्षा होगी। हालांकि कितने पदों पर बहाली की जाएगी इस बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बता दें कि अभी नवंबर के महीनों में फिर से 1,00,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो वही आपको बता दें कि कल बीपीएससी के ऑफिस में उच्च स्तरीय बैठक की गई थी, हाई लेवल मीटिंग की गई थी, जिसमें शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी शामिल थे, साथ ही साथ के पाठक भी शामिल थे। तो उस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि बीएड वालों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि वैसे अभ्यर्थी जो जिनके पास सिर्फ बीएड की डिग्री है वो अभ्यर्थी प्राइमरी टीचर नहीं बन सकेंगे। जिसके बाद तमाम देश में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा था और सिर्फ बिहार की इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बिहार लोक सेवा आयोग जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित करवाए, हालांकि बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा आयोजित करवाया काफी साफ और अच्छे तरीके से, वो जो परीक्षा है वो लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि बीएड वाले योग्य नहीं है। उसके बावजूद बीपीएससी ने फैसला चेंज नहीं किया। तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा था वो भी परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कल हाई लेवल मीटिंग की गई है और उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि बीएड वाले योग्य नहीं होंगे। 3,90,000 बीएड वाले स्टूडेंट हैं। अब ये 3,90,000 स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने बीएड करके प्राइमरी टीचर के लिए बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। अभी ये तमाम अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे, ये तमाम अभ्यर्थी टेंशन में है, परेशान है कि रिजल्ट आखिर आएगा या नहीं। अभी फिलहाल तो ये जानकारी दी गई है कि बीपीएससी फिलहाल बीएड वालों के रिजल्ट जारी नहीं करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि ये 3,90,000 जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।